अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल समीर, आप देख रहे हैं 4K। అందరికి నమస్కారం. లేదు, జస్ట్ వన్ టూ పాయింట్స్ చెప్పాలి. हमें एक उड़ीसा से एक गैंग को पकड़े थे. तीन मेंबर के गैंग था वो. वो पूरे उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट से आए हैदराबाद को. वो लोग यहाँ पे आने के बाद ये रेस्टोरेंट में काम करके वहाँ पे जो कस्टमर आता ये पब्स रेस्टोरेंट में, वो कस्टमर के कार्ड का डाटा उन लोग चुरा ले रहे, स्किमर यूज़ करके उसका डाटा यूज़ ले रहे उससे. उसके बाद में उसका पिन नंबर नोट कर ले रहे होगा. उसके पास है जो पिन नंबर पॉस मशीन में टाइप करते, जब वो टाइप कर से जब टाइप में ओवर टाइम में, तो पिन नंबर उसको नोट कर लेके उसका क्लोन कार्ड प्रिपेयर करके उसके उसके मुताबिक वो लगा एटीएम मशीन से पैसे विड्रा कर ले रहा है हैदराबाद में. वैसे बहुत सारे गैंग्स है बोल के मालूम पड़ा हमारे को. आपसे गुजारिश है हमारे को, एक पब्लिक को हमारा बोलने का ये है, जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं अपन, जाने के टाइम में अपना कार्ड किसी को भी नहीं देना. जो वेटर रहता, जो कैप्टन रहता, उसको कार्ड अपन नहीं देना हाथ से, और एक पिन नंबर भी नहीं बताना उसको. अगर वो दोनों अगर इसको मिल गया, कार्ड उसके हाथ में चलेगा और उसका पिन नंबर कार्ड का नंबर उसको मिल गया बोले, तो बहुत ये चांसेस है वो लोग पूरे अपने अकाउंट से पूरे पैसे उठा लेके अपने को पूरे नुकसान कर देते. उसके वजह से पब्लिक को, आम पब्लिक हम बोलने का ये है, ये आपके कार्ड किसी के हाथ को नहीं देना. नहीं रेस्टोरेंट अभी लोग के पास है कितना रिकवरी हुआ सर? अभी ये पूरे उन लोगों से एक 10,00,000 तक रिकवरी करे. इसमें बहुत सारे 150 कार्ड इस्तेमाल करें उन लोगों, और ये 31 बैंक्स, उसमें बहुत सारे बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स भी है उसमें, नेशनल बैंक्स भी है, तो उतने बैंक से पूरे कार्ड्स इस्तेमाल करें. 31 बैंक का कार्ड्स इस्तेमाल करें इसमें सर. हम लोग सबको ये एड्रेस कर, आरबीआई को लेटर लिख लिया हम लोग. ये चिप बेस्ड एटीएम नहीं लगाना, चिप बेस्ड जैसे पूरे चिप बेस्ड एटीएम लगाना बोल के हम आरबीआई को भी एक लेटर लिखने का हम लोग प्रोसेस में है, और कमिश्नर साहब के साथ कमिश्नर ऑफिस से एक लेटर भी लिखेंगे आरबीआई को. अभी पूरा वेरीफाई कर रहे, अब इसको परसों ही पकड़े थे भी. अभी इसको पूरे वेरीफाई करने के बाद अभी और कितने केस, पुराने केसेस कुछ है नए इसके बारे में हमारे को मालूम पड़ेगा. अभी इसको पुलिस कर लेकर इंटरोगेशन करे तो अपने को मालूम पड़ेगा अभी और कितने केसेस करे, क्या है किसका, और कोई है क्या इसके पीछे, ये पूरे मालूम पड़ेगा.